हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है यार आप लोगों से? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इन्जॉय करेंगे अपने लाइफ को। तो वेलकम बैक हो गया सबका हमारे डेली रूटीन के एक न्यू ब्लॉग में। अभी सुबह का टाइम है, हम लोग फार्म पे आ चुके हैं। अभी आके मैंने सबसे पहले ना फीड पानी अंदर डाल के रख दिए, और उसके बाद अभी ना हमने चिप्स वगैरह वो खोला। अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना सारा इनको पानी वगैरह डालना है, उसके बाद जो है ना वो जो फीड भी हुई है उसको निकाल के फिर जो है ना हमने इनको फीड डालनी है। अरे यार अभी ना वो बच्चा भी भूखा है पड़ी, लेकिन उस भूखा है पड़ा लेकिन उसकी जो है ना माँ क्योंकि गई है बाहर अंकल लेके गए हैं चराने के लिए, तो अभी जो है ना इसको हमें थोड़ी देर भूख बर्दाश्त करानी पड़ेगी। अभी ये जो है ना मेरे पीछे पीछे आ रहा था, और अभी इसको ये जगह मिली है तो ये जो है ना यहाँ पर लग गया। अभी इसको हम ना उठा के वहाँ छाँव में रख देते हैं ताकि इसको जो है ना डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो जाए। अभी ना मैं यहाँ पे पानी डाल रहा था और ये जो है ना वहाँ से उठ के यहाँ तक आ चुका है। ये जो है ना अभी इतना भूखे पाइप पकड़ रहा है, और पाइप पे जो मिट्टी वगैरह लगी हुई है इससे जो है ना इसको वो हो सकता है मतलब के जो वो होता है इंटरनल पैरासाइट जो होते हैं, तो इसको जो है ना हम पकड़ते हैं और वापसी से छोड़ के आते हैं। ये देखें पानी के पीछे भी भाग रहा है क्योंकि ये भूखा है। अभी ना मैंने इन सारे बर्तनों में ना पानी डाल लिया है, और यहाँ पे सारा मैंने ना केजेस पे भी पानी लगा दिया क्योंकि अभी हो गई थी गर्मी। मैंने कहा साथ ही जो है ना थोड़ा बहुत इनका भी सेट हो जाएगा माहौल, लेकिन अभी ना वो जो है ना बकरी का बच्चा वो यहाँ पे घुस गया और इनको कर रहा है डिस्टर्ब। इसको उठा के और चलते हैं बाहर, और इसको ना वहाँ जाके बिठा देते हैं ताकि ये जो है ना फिर इधर उधर ना आ जाए। बाकी यार अभी ना शाम का टाइम हो गया, हम लोग फार्म पे आ चुके हैं और अभी पानी हमने सारों का निकाल दिया। और यार कल जो है ना मतलब आज सुबह को मैं देख के नहीं गया, लेकिन आज ना दोपहर को मैं आया था यहाँ देखने, तो वो भी तो छोटे भाई ने ठीक कर दिया, लेकिन मुर्गे से ना अभी मैं फ्लैश लाइट ऑन करके आपको बताता हूँ। सुबह को जो क्या हुआ था, दोपहर को छोटा भाई जब आया था उस टाइम ना ये देखें आप तुड़ी से भी तुड़ी देख सकते हैं, ये जो है ना बॉक्स नीचे गिरा हुआ था और कबूतरी का ना एक अंडा टूटा हुआ है। वो अभी तो उसने वैसे ही वापसी रख दी है, लेकिन क्योंकि मुर्गा यहाँ बंद था तो शायद वहाँ गया होगा और वो जो है ना इधर उधर चला फिरा होगा, तो उससे जो है ना ये डब्बा गिरा और अंडा भी एक टूट गया। ज़्यादा नहीं टूटा, क्रैक आया, लेकिन अब वो तो हो गया ख़राब। तो अभी आज हम क्या करेंगे कि मुर्गे का ना पाँव बांध देंगे ताकि मुर्गा उस साइड पर ना जा सके और जो अंडों पर कबूतर बैठे उनको डिस्टर्ब ना करें। बाकी यार अभी हमने ना इन सारों को बंद कर दिया है, उसका पाँव मुर्गे का पाँव जो है ना छोटा भाई बांध रहा है। यहाँ पर हम इनके साथ अपना ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक की तरह पहुँचती रहें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।